डिग्री जीरो डिग्री सर, आज हम जा रहे हैं रंदन माल और आज जो है आपको मैं चेक करवाऊंगा रंदन माल की खूबसूरती। और ये जो है ये सारे मेरे दोस्त जो है ये आज इन्होंने नया हमें ज्वाइन किया है। भाई साहब ये हैं जी हमारे शहजादे भाई और एक और भी हैं अब्दुल्ला भाई जो कि टेंट को जो है ना तबाही से जो है ना वो पिए जा रहे हैं। तो ये इनकी पास एक स्पेशलिटी है। तो बाकी आप साहब लगे हुए जी आप साहब तो मतलब के हमारे हर ब्लॉग में आपको मिलते हैं। तो बाकी जो आगे की पार्टी है उनसे भी आप पिछले ब्लॉग में मिल चुके होंगे। तो बाकी सर मेरे साथ रहिएगा, आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है जिसमें मैं आपको आज बहुत ही मज़े के सीन दिखाने वाला हूँ। बॉस अपना कार्ड जो है वो स्कैन करते हैं इधर, तो ये हमारे लिए ओपन हो गया और अभी हम जाते हैं फिर नीचे जाके ट्रेन का वेट करते हैं। आप बस इतना टाइम तो नहीं होगा क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही है, तो अभी हम नीचे उतरते हैं जाके। तो ये सर इधर से हम जाएंगे नीचे, ये अभी हम नीचे आ गए हैं तो हमारी जो साइड है वो इधर जाके देखते हैं। समर अब्बास जो है वो थोड़ा पीछे रह गया। तो ये है जी आपका शहजादा भाई, तो आ जाओ जल्दी से आ जाओ, फिर जो है ना निकलते हैं विंदम के लिए। बस इतनी देर थी, हम जैसे ही आए हैं तो आगे से ट्रेन भी पहुंच आई है। तो समर भी भाईजान अंदर ही है, तो ये सारी पार्टी हमारी अंदर आ गई। समर अब्बास कार्ड फिर करवा लिया और इस भाई को जानते हैं, दो दिन पहले इसकी दाढ़ी थी और आज चेक कर लेंगे। हाँ बहुत परेशान हो गए। नहीं परेशान नहीं होना, हो जाएगा बस, कोई नहीं भेज देंगे तुमको। तो ये भाई साहब की सुबह ड्यूटी है, तो ये आज हमारे रात को ड्यूटी है, आज ड्यूटी है, तो ये आज हमारे साथ घूम रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी जाना है फिर? नहीं जाना है। किधर अभी जाना है? अभी इसको अल अजीजिया में उतार दो जी फिर। तो गाइस अभी जो है ना ये हमारा एक दोस्त जो है वो जाने वाला है क्योंकि इसका फैसला जो है वो हो गया कि तुमको जो है ना जॉब पे जाना चाहिए क्योंकि इसका टाइम जो है वो बहुत कम रह गया है। तो हम जा रहे हैं घूमने, तो फिर घूमने फिरने में आपको पता है टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम फिर समझते हैं कि इसको जाना चाहिए क्योंकि ये जो है खुद भी इंजॉय नहीं कर पाएगा और हमें भी इंजॉय नहीं करने देगा। नहीं क्या बोल रहे थे आप साहब, के पे आते हैं जी? तो गाइस ये जो है हमारा भाई हमें जा रहा है, दिल मेरा जिगर मेरा टुकड़ा ये सब कुछ है। और ये ऐसे जॉब से कॉल आई है भाई काम पे पहुंचा, अभी जा रहे हैं और जॉब जाने के बाद शर्ट पैंट और शूज चेंज करने हैं, उसके बाद अपने पहन के तो तुमने जॉब पे चले जाना है, ठीक है? हमारी ड्यूटी ना होती तो तुम्हें हम ये बात कभी ना करते। मेरे ये आपकी जगह मैं मेहमान होता सर, मुझे कहता मैं कपड़ों से दिखाएंगे। नहीं अभी यहां मेरे भाई फेंक दो अगर तो मजा आ जाए, इधर ही फेंक दो। हां मैं कहता हूं फेंक दो, इधर उतार दे शर्ट। नहीं ये कपड़े मेरे, ये मुझे मांग रहे, मुझे दे के जाना। अच्छा ठीक है चलो जी मिलो जी भाई को मिलो, तो फिर जो है इंशाल्लाह मिलेंगे बड़ी ईद पे। ओके तो ये अभी हमने अपने यार को जो है अलविदा कह दिया है और अभी हम जो है अपनी मंजिल की तरफ दोबारा से जा रहे हैं। तो समर अब्बास बहुत खुश है, हमारा दिल उदास है वाकई में ही। तो इनको टेंशन पड़ी हुई है कि उसकी ड्रेसिंग जो है वो रूम पे छोड़ के जाएगा कि नहीं। तो छोड़ के जाएगा मसला नहीं है, बस नसीब की बात है। तो उसने अगर बॉस से बात की होती कि आप मुझे पहले बता देते इतना काम नहीं चाहता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं फिर सही। भाई जब हमारा थोड़ा सा सफर रह गया तो उसके बाद जो है उतर जाएंगे। तो ये स्नोकर का प्लान बना रहे हैं लेकिन इनको नहीं पता कि हम आए किधर हैं, तो इधर यही सबसे बड़ा मसला है कि प्लान में से प्लान बन जाते हैं, जहाँ पे हमने जाना होता है वो। अभी हम जो है रंदम माल की तरफ जो है वो एंट्री डालने वाले हैं, तो खुल जा सिम। ये सर फर्स्ट एंट्री जो है रंदम माल की,
और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है ना वो इसका फर्स्ट व्यू है। तो इधर आप इस तरफ आते हैं तो मैं आपको जो है थोड़ा सा फुल व्यू जो है वो दे देता हूँ रैंडम मॉल का। तो ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जो है इमारतें हैं, और ये वाली जो है ना ये स्पेशली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी जाते हैं फिर अंदर तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या हमें मिलता है। तो ये गाइस सारा व्यू है मेरी बैक साइड पे, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे जो भी आएगा ना एक बार बोलेगा कि वाकई में जो है ना कतर ने तबाही निकाल दिया, बहुत ज़्यादा तबाही निकाल दिया। तो सर आज जो है ईद का लास्ट दिन था, तो हमने सोचा कि आज जो है जो लास्ट वाला ब्लॉग बनाएंगे वो बहुत ही खूबसूरत और शानदार जगह पर बनाएंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसा है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग जो है वो आपको पसंद आ रहा है या बस खाली वाली है सारा सी। तो ये अभी हम जा रहे हैं ऊपर, तो ऊपर जाके अंदर जो है ना इसका जो स्ट्रक्चर है उस्ताद जी कमाल स्ट्रक्चर है। तो आपको फिर मैं आगे के व्यू करवाता हूँ। ये देखें छोटे छोटे दरख्तों में जो है इन्होंने ये जो लाइटिंग की हुई है ये बहुत ही शानदार है। तो ये सर है मेरे जो है ना इसका जो मेन व्यू है वो ये वाला है। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कितनी कमाल की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। तो सर मैं तो है ना जब जब सीढ़ी चढ़ के आ रहा हूँ तो मैं सरप्राइज़ हो रहा हूँ, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह आज से पहले मैंने नहीं देखी। ये आप देखें कमाल है या नहीं। तो ये सर अभी आपका भाई जो है अंदर आ गया और मेरा दोस्त जो है वो सामने वेट कर रहा है मेरा, क्योंकि मैं जो है ना बाहर थोड़ा सा शॉर्ट लेने लग गया था, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट भी हो गया था, लेकिन कोई मसला नहीं है, यहाँ पर टाइमिंग का कोई इशू नहीं आया नहीं। तो ये मेरा दोस्त खड़ा है। तो ये है गाइस रैंडम मॉल, और आप रैंडम मॉल की जो खूबसूरती है और जो मुफासत से ये बनाया गया है वो आप देख सकते हैं कितना जो है ना कमाल का। तो यकीन माने हम घूमे हैं और भी काफ़ी जगह पे घूमे हैं इन दो दिनों में, लेकिन ये जो जगह है ना ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत और कमाल की है। ये आप ऊपर जो है ये ज़रा चेक करें कितनी खूबसूरत जो है ना इन्होंने यहाँ पर कारीगरी दिखाई है और कितनी मज़ेदार चीज़ें इन्होंने बनाई है यहाँ पे। तो ये सर ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको दुनिया का सबसे महंगा तरीन जो ब्रांड है ना वो आपको इधर मिलेगा। तो जो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं तो अगर उनको कोई शॉपिंग करनी हो तो वो यहाँ पे आते हैं। तो मुझे तो इतना ब्रांड का पता नहीं, क्योंकि हम लोग जो है ना ब्रांड कॉन्शियस है नहीं, तो जो है वो बेहतर जो है ना ये सारे नाम वगैरह पढ़ के वो आइडिया लगा लेगा कि ये कितना एक्सपेंसिव जो है ना मॉल है। गाइज इसका सेकेंड फ्लोर है, और सेकंड फ्लोर भी आप देखें कि मतलब कि ये इतना बड़ा है ना कि आप जिस तरफ जाते हो तो आपको शॉप्स और आगे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये ज़रा देखें कितना शानदार जो है ना इन्होंने, ये परफ्यूम की शॉप्स है आई थिंक, और ये गारमेंट्स के। तो सर हम जो है ना मतलब कि एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर। और आप व्यू चेक करें ये जगह कैसी है सर, दुनिया में जन्नत बना रखी है कतरी लोगों ने, यकीन माने मैं कभी कभी जो है इनको देख के रश करता हूँ। तो वो नीचे जो फ्लोर है उस फ्लोर से हम अभी आए हैं, तो ये अभी सेकंड फ्लोर है। तो सेकंड के बाद ऊपर थर्ड फ्लोर भी है, वहाँ पे भी जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ है जो हमें कवर करनी चाहिए। तो ये गाइज अभी जो है ना हम अपने दोस्तों को भी ढूंढ रहे हैं साथ में, वो हमें मिल नहीं रहे, तो मैं आपको ज़रा इसका नज़ारा करवाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो समर लोग भाई भी मिल जाते हैं तो साथ में जो है ना घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन चलो आ जाएंगे थोड़ी देर तक, इतना कोई इशू है नहीं, क्योंकि हर बंदा जो है ना अपनी अपनी पार्टी पकड़ लेता है। क्योंकि मैं जो है वो थोड़ा वीडियोज़ बनाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि हमारी जितनी से ज़्यादा वीडियो जाए वो बन जाए। तो जाते हैं आगे जाते हैं, मिल ही जाएंगे, मसला है नहीं। अभी गाइज हम जा रहे हैं वहाँ पे पिक्चरें बनाने, तो ज़रा अपनी पिक्चरें भी बना लेना दो चार, क्योंकि बस हम तो व्लॉग ही जो है वही शूट करते रहते हैं। तो मुझे ये जगह थोड़ी सी प्यारी लगी है, मैंने बोला कि यहाँ पे जाके पिक्चरें बनाते हैं। पिक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की आई है, और यकीन माने कि मेरी पिक्चर थोड़ी कम ही जो है मज़े की आती है, लेकिन आज जो मैंने पिक्चर बनाई है, मैंने क्या बनाई है, आप साहब ने बनाई है, तो बहुत ही शानदार पिक्चर है। तो मैं लगाऊँगा आप साहब, ये बात तो है, तो मैं लगाऊंगा जब स्टेटस लगाऊंगा तो आप देख लेना, स्टोरी में डालूंगा, स्टेटस तो खैर वो तो और बात है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पे जितने भी जो है ना बच्चे चूचे
बच्चे चुच्चे सारे जो है वो खेल रहे हैं, तो हमारा क्योंकि बच्चों से काम है कोई नहीं, तो इस वजह से हम यहाँ से आगे जाते हैं, आगे जाकर अच्छी अच्छी जगह जो है ना वो आपको डिस्कवर करवाते हैं। तो ये सर अभी हम जो है फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं ऊपर वाली साइड, तो मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कि इस साइड पे क्या है। तो ये साथ में जो है ये सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, तो रेस्टोरेंट के साथ साथ जो है हम भी ऊपर वाली साइड जा रहे हैं, तो ऊपर जाके देखते हैं कि हमारे काम की कोई चीज़ है या नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि काम की चीज़ होना लाजमी है। इस वजह से आपका भाई अभी ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँच आया है, तो ये हम ऊपर आ गए। तो ऊपर जो है कुछ है इस तरह की पेंटिंग वगैरह है, पेंटिंग है या पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन बहुत शानदार लग रहा है। ये जो यहाँ पे बेड और सोफे वगैरह लगे हैं, तो आप इसको देखें कि ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल है, मतलब कि ये ओरिजिनल लगते ही नहीं है। ये जिस तरह एक पिक्चर होती है या पिक्चर की तरह जो है ना ये यहाँ पे लग रहे हैं, और कलर कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। किधर रह गए हमारे दोस्त जो है ना, वो पता नहीं किधर रह गए, एक भी नहीं मिला। कब से बबल जो है खा रहा हूँ, इसको तो फेंकूँ मैं। ये सर अभी हम जो है बाहर जाते हैं, तो बाहर का व्यू आपको चेक करवाते हैं। इधर से नहीं, इधर फैमिलीज़ हैं, तो मैं आपको उस साइड से जो है ना व्यू चेक करवाता हूँ, तो आप भी एक बार जो है वो दंग रह जाएंगे कि इतनी खूबसूरती और इतना कमाल का व्यू। यकीन माने ये ऐसे लगता है कि जैसे हम घूम रहे हैं इस टाइम पर किसी बहुत बड़े विले में। और ये सर ये है जी टोटल व्यू, ये आप चेक करें कितनी खूबसूरत जगह है। तो क्योंकि फर्स्ट एंट्री पे भी आपने देखा था, लेकिन मैंने सोचा ये आपको जो है मैं जो है बिल्कुल मिड में दिखाऊंगा, क्योंकि आपका जो एक है ना टाइम वो जो है एंजॉय वाला गुजर सके, क्योंकि आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो फिर आपको बोर नहीं होना चाहिए। तो ये सब देखें कमाल की जगह है या नहीं। इस डांसिंग जो वाटर है इसका आप जो है ज़रा शॉट देखें, पहले लाइट्स ऑफ हुई है, मैंने सोचा कि पता नहीं किस वजह से लाइट्स ऑफ हो गई, तो बीच में चक्कर ये था। ये सॉन्ग की तो हमें समझ आ नहीं रही, लेकिन ये है कि ठीक है, मतलब कि यहाँ पे माहौल बनाने के लिए ये भी बहुत अच्छा है। तो अभी आप अगर चेक कर रहे हो तो ईद मुबारक सारी बिल्डिंग पे जो है ना, ये ईद मुबारक का जो है वो इस पे जो है वो इफेक्ट चल रहा है। सर मैं कहता हूँ कि जो इन्होंने इफेक्ट डाला हुआ है ना उसमें, वो बहुत ही ज़्यादा जो है खूबसूरत है, तो हम जो है वो उसको शो नहीं कर पा रहे क्योंकि जगह जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इधर से मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि रश जो है ना वो अभी इस टाइम पे रश बन गया है। यहाँ पे सारा सीन था वो तो हो गया ख़त्म, तो अभी शायद जो है ये लाइट्स जो है ना ऑन कर दें, क्योंकि लाइट्स जो है सारी ने ऑफ कर दी, तो मैंने समझा कि ओ हो गई लाइट सारी ऑन हो गई। ये आप देखें साथ ही जैसे ही ख़त्म होता गया है तो ये सारी लाइट्स दोबारा से ऑन हो गई, तो मज़ा आया, एंजॉय किया हमने। तो शायद ये थोड़ी देर बाद जो है ये शायद फिर जो है इसको स्टार्टिंग करें। तो चलें गाइस अभी जो है हम जाते हैं नीचे, क्योंकि नीचे वाला जो है ना वो जाके थोड़ा सा उसको कैप्चर करते हैं कि नीचे क्या सीन है। तो चलें फिर अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है नीचे उतरते हैं। ये सर अभी हम जो है ना जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ पे जाके आपको जो हम ऊपर से शॉट दे रहे थे, अभी हम आपको ग्राउंड फ्लोर के शॉट जो है वो चेक करवाते हैं कि नीचे से क्या सीन चल रहा है। तो ये गाइस आप अभी सारा नज़ारा देखें, अभी जो है ना मैं बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आ गया, तो अभी आपको जो चीज़ नज़र आने वाली है वो जो है ना बिल्कुल एक धमाकेदार चीज़ है, क्योंकि ये ऊपर से जो है इतना खूबसूरत नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पर नीचे आके ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है ना मंजर पेश कर रहे हैं। अभी आप साहब जो है वो बहुत आगे निकल गए, तो आप साहब कोई पकड़ने के चक्कर में हम जो है ना बस निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, आगे आगे भागते जा रहे हैं। तो ये गाइज अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो ऊपर से जाके आपको जो है ना टॉप व्यू करवाते हैं कि टॉप व्यू कैसा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि नीचे से तो हमने सारा शूट कर लिया है। तो अभी जाते हैं ऊपर, और लड़के भी जो है ना वो हमारे लड़के ये सारे खड़े हैं किधर थे बॉस तो ये सर इसका टॉप व्यू है, तो ये फ्रंट से आप देखें कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है।
तो ये गाइस सारे जो है इसके नज़ारे हैं। तो इसी के साथ मेरे ख्याल में आज का व्लॉग जो है ख़त्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका जिगरी जीरो डिग्री। तो जो भाई भी मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर लाजमी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।